नहीं बोलता हूँ, अभी इसका मूड ऑफ हुआ है। मिठू इसने बच्चे मेरे निकल आए हैं, मतलब हमने इसकी नीचे रखे थे 15 अंडे रखे थे, 15 में से इसने सिर्फ 3 बच्चे निकाले हैं, जिनमें से ये वाली जो मुर्गी बैठी हुई है ये भी माशाल्लाह से हमारे पास फ्लोक हो गई है ये वाली। तो उसके नीचे भी हमने अंडे वगैरह थोड़े से अंडे इसने मतलब तकरीबन इसे हमारे पास 9 अंडे दे दिए, तो अब थोड़े से 2-3 और देगी, मतलब इसके नीचे हम रखते हैं और मतलब क्लोक हो गई, मतलब हर वक्त इसी तरह बैठी रहती है। अब इसके नीचे हम इंशाल्लाह हम कल से अंडे वगैरह रख लेंगे, इसी मुकम्मल जगह बनाकर। इसको क्या हो गया ये देखें फ्रेंड्स, ओहो हो खड़े हो ना ऊपर, ओए खड़े ऊपर यार फ्रेंड, ये सोचते सरंगा कोई इशू हो गया, ये अपने पाँव के ऊपर खड़े ही नहीं हो पा रहा, यही मुझे उसी से इसकी बटेरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी दूसरा वाला अंदर। ये देखें ये अपने पाँव के ऊपर खड़े ही नहीं हो रहा यार, सो क्यों हो गया यार। तुम्हारा नाम लेते हो? नहीं हो, तुम्हारा नाम नहीं लेते, ये सिर्फ इब्रीम का नाम लेते हैं, ये साइड वाला लेते हैं ना, तुम्हारा नाम भी लेने लग गया? नहीं लेते, बोलो इसको, बोलो अपना नाम ले। असीब 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 नहीं बोलता हूँ, अभी इसका मूड ऑफ हुआ है। मिठू मिठू ये काटते हैं ना, ये वाला काटते हैं, ये वाला काटते हैं, ये काटते हैं ना, फिर खुद ही चेक कर लेते हैं कौन सा वाला काटते हैं। मिठू काटो, ये देखें फ्रेंड किस तरह कर रहे हैं। नहीं यार ये बिल्कुल, इनमें से एक वाइल्ड है और एक बिल्कुल मतलब साथ है, मतलब खेलते रहते हैं। नहीं हो ये भी क्या काटते हो, ये वाला ही था, ये वाला हो मुझे याद नहीं है। मिठू क्या करो, मिठू मिठू इसके आगे जो है ना भुट्टा वगैरह ला के डालो, ठीक है, ताकि ये उसको खाए, ठीक है। अरे दाना वगैरह डाले मुर्गी के आगे, मुझे लग रहा है इसको सर्दी लग रही है दोस्तों। ये देखें यार सीब, इसको तो मुझे लग रहा है सर्दी लग रही है, क्योंकि देखें दोस्तों आज बारिश हुई है, इधर मेरे मास्टर केज में पानी आया हुआ है। हटो हटो हटो, इसको बंद करते हैं सीब, इसको इसमें ही बंद करते हैं। इसके आगे दाना वगैरह डाले इसके, बस उठो और भी डालो ताकि खाए, अपने बच्चों को भी खिलाए, फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है इसको सर्दी लग रही है, ताकि इतने सारे बच्चे अपने नीचे किए हुए हैं। इसको दाना वगैरह डालो, इसको सारा ना दाना वगैरह डालने के बाद बस इसको बंद कर लो, ठीक है। अभी क्योंकि सर्दी है तब इस वजह से सही है, बारिश वगैरह भी लगी रही है, इसको बंद कर लो, ऐसा ना हो कि जो बच्चे हों ये भी मतलब नुकसान ना हो जाए इनका भी। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं, ये देखें शैतानियाँ कर रहे हैं, तो चले इनको सी बस इनके आगे दाना वगैरह डाल के ना इनको बंद कर लेना, सही है ना। जो मुर्गी थी ये क्लोक, मतलब क्लोक हमने बिठाई हुई थी इसके ऊपर, अभी आप देख सकते हैं इसने बच्चे मेरे निकल आए हैं, मतलब हमने इसकी नीचे रखे थे 15 अंडे रखे थे, 15 में से इसने सिर्फ 3 बच्चे निकाले हैं, जिनमें से एक बच्चा ये दो आप नज़र आ रहे होंगे, एक बच्चा ये रहा, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे आप देख सकते हैं, एक इसके पीछे एक ये दो आप देख सकते, दोनों मतलब असील हैं। तो ये मुर्गी वगैरह देख सकते किस तरह से देख रही है मेरी इधर, दो बच्चे हैं मतलब 3 बच्चे निकाले थे, एक बच्चा जो इसका मर गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसको मतलब हम थोड़ी देर तक बंद करते हैं क्योंकि मगरब वगैरह हो चुकी है, तो मैं आपको दूसरा बच्चा दिखाता हूँ जो मरे जंग में से, ये बच्चा जो है मर गया था, हमने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया, ये बीमार था मतलब अंडे में से निकले तो मतलब इसी तरह थोड़ा सा बीमार था, अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता था, पता नहीं इसका ये क्या इशू था, आप लोग मन करके ज़रूर बताएँ कि इसका क्या मतलब क्यों इसमें ऐसा हुआ होगा। मतलब इसके नीचे हमने 15 अंडे रखे थे, जिनमें से मतलब 3 बच्चे निकले, एक मर गए, दो उसके साथ हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देते हुए चलूँ, ये रहा मुर्गा, हटो आगे से, हटो 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 हटो, ये जो पीछे वाली जो मुर्गी बैठी हुई है, आटी यार ये वाली जो मुर्गी बैठी हुई है ये भी माशाल्लाह से हमारे पास फ्लोक हो गई है ये वाली। तो उसके नीचे भी हमने अंडे वगैरह थोड़े से अंडे इसने मतलब तकरीबन इसे हमारे पास 9 अंडे दे दिए, तो अब थोड़े से 2-3 और देगी, मतलब इसके नीचे हम रखते हैं और मतलब क्लोक हो गई, मतलब हर वक्त इसी तरह बैठी रहती है। अब इसके नीचे हम इंशाल्लाह हम कल से अंडे वगैरह रख लेंगे, इसी मुकम्मल जगह बनाकर। तो यार ज़बरदस्त किस्म का मतलब पेयरिंग वगैरह हो गई थी, मैंने आपको पहले ही बोला था किस वक्त मतलब वो मुर्गी क्लोक हो गई है, और ये इधर से भी गुड न्यूज़ हमें मिल गई है, बस अभी इसके नीचे अंडे वगैरह रखने हैं, फिर इसके भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस मुर्गे को फिलहाल मतलब इनसे अलहदा करके रख लेंगे। और बस अल्लाह का शुक्र है इस बात बहुत अच्छी प्रोग्रेस वगैरह दी है इन लोगों ने, लेकिन मसला ये है कि अंडे बहुत ज़्यादा थे, बच्चों ने काम निकालने, बस ये एक इनसे शिकायत है हमें। देख सकते हैं किस तरह बादल वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी मतलब नहरी आएगी है, मतलब फुल मतलब बारिश वाला माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा मौसम है। तो अभी इंशाल्लाह अपने बर्ड्स को जो कवर वगैरह कर लें, तो ये सीन ऐसा है कि अब बजीज को देख लेते हैं कि उन्होंने मतलब ब्रीडिंग वगैरह की है या नहीं की। इस फीमेल ने जो माशाल्लाह से फ्रेंड यहाँ पर 2 अंडे दे दिए, ये कि एक अंडा मतलब नीचे फेंका हुआ है, जब भी अंडे देती है बस फेंक देती है, ये देखें एक अंडा ये नीचे टूटा हुआ पड़ा हुआ है,
अंडे तो दे दिए, बस नीचे फेंक लेती है, पर इसका क्या इशू है? बस दुआ करें इस बार ये जो है हमारे पास बच्चे वगैरह निकाल ले। 6 नंबर मटकी में अब आपके सामने हमने देखा दो अंडे पड़े हुए, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और दोस्तों दिन को गर्मी ज़्यादा होती है, आप देखें किस तरह से, मतलब जितने पौधे वगैरह थे ये सारे मतलब ख़राब हो चुके हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, दिन के टाइम भी हम इनके ऊपर पानी में डालते हूँ, मतलब शाम के वक्त फिर डालेंगे, क्योंकि मतलब जितनी गर्मी आपको पता है मतलब दिन के टाइम ऊपर होते हैं इनके ऊपर, मतलब कोई भी मतलब डायरेक्ट डूबा के पड़ती है इनके ऊपर, तो अब इनकी भी हमें केयर वगैरह करनी पड़ेगी, नहीं सारे जो पौधे वो ख़राब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे मतलब ख़राब होते जा रहे हैं, येलो होते जाते हैं सारे इनको पौधे वगैरह थे हमारे,